नमस्कार, मेरी शिकायत जोशी बीएनएस न्यूज़ के 6th एपिसोड में आप सबका स्वागत है। तो चलिए आज की कवरेज शुरू करते हैं। होम डिज़ाइन और रिनोवेशन प्लेटफॉर्म लाइवस्पेस ने 60 मिलियन की फंडिंग रेस करी है, जिसे लीड किया है तावे इन्वेस्टमेंट ग्रुप ने। और इस राउंड में मर्सर्स इन्वेस्टमेंट, ईडीबी इन्वेस्टमेंट, कारिस कैपिटल और वेंटूरी पार्टनर्स के एमडी निकोलस कैटर भी शामिल थे। अब तक लाइवस्पेस ने टोटल 150 मिलियन की फंडिंग रेस करी है। लास्ट फंडिंग इन्होंने 2018 में रेस करी थी 70 मिलियन की, जिसको लीड किया था टीपीजी ग्रोथ और गोल्डमैन सैक्स ने। लाइवस्पेस कनेक्ट करता है डिज़ाइनर्स को कस्टमर्स और सप्लायर्स के साथ। बेसिकली लाइवस्पेस एक इंटीरियर डिज़ाइनिंग प्रोवाइड करता है, जिसमें लाइवस्पेस एंड टू एंड तक प्रोजेक्ट की पूरी ओनरशिप को होल्ड करता है, जिसमें ये डिज़ाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और इंस्टॉलेशन करते हैं। लाइवस्पेस की शुरुआत 2015 में शागुफ्ता अनुराग के साथ अनु श्रीवास्तव और रमाकांत ने की थी। लॉजिनेक्स ने टाइगर ग्लोबल और सेडव्यू कैपिटल से 39 मिलियन की फंडिंग रेस करी है। लॉजिनेक्स्ट एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, जो कि कंपनीज को सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइड करती है, जिसमें ऑटोमेटेड ऑर्डर मैनेजमेंट, प्रिडिक्टिव कैपेसिटी प्लानिंग, रियल टाइम रूट ऑप्टिमाइजेशन, डिस्पैच ऑटोमेशन, ट्रांसपेरेंट कस्टमर एक्सपीरियंस, B2B और B2C ट्रांजिशन और पोस्ट डिलीवरी प्रोसेसिंग प्रोवाइड करती है। इस फंड्स के साथ लॉजिनेक्स्ट अपने प्रेजेंस को न्यूयॉर्क, लंदन और सिडनी तक एक्सपांड करेंगे और अपनी वर्कफोर्स को डबल करेंगे। लॉजिनेक्स्ट की शुरुआत 2015 में ध्रुविल सांघवी और मनीषा राय सिंघानी ने की थी। किसान नेटवर्क ने अपने सीड फंडिंग राउंड में 3 मिलियन की फंडिंग रेज की है, जिसे लीड किया है मेस्टोलॉय ने। और इस राउंड में वाई कॉम्बिनेटर, द थल फाउंडेशन, वेंचर हाईवे, फाउंडर्स क्लब, लेटेन कैपिटल, गोकुल राजाराम और कुछ अदर इन्वेस्टर्स भी शामिल थे। इस फंडिंग से पहले किसान नेटवर्क ने $120,000 की जो है वाई कॉम्बिनेटर से 2016 में फंडिंग ली थी। किसान नेटवर्क की शुरुआत 2016 में संजय और आदित्य अग्रवाल ने की थी। किसान नेटवर्क एंड टू एंड ऑन ग्राउंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट प्रोवाइड करता है, जिसमें कि ये प्रोडक्ट को डायरेक्ट फार्म से बायर्स के डोरस्टेप तक प्रोवाइड करवाता है, जिसमें कि जो मिडल मैन है उसकी प्राइसिंग वगैरह सब कट हो जाती है, जिससे कि बायर और फार्मर को प्राइसिंग और क्वालिटी में एक ट्रांसपेरेंसी मिलती है। संदीप मात्रानी को वीवर्क में एज अ CEO अपॉइंट करा गया है, जो 18 फरवरी 2020 से अपनी पोस्ट को संभालेंगे। और मिल्सन को एज अ COO अपॉइंट किया गया है। संदीप मात्रानी को रियल इस्टेट बिजनेस में काफ़ी एक्सपीरियंस है। इसके पहले संदीप मात्रानी ब्रुकफील्ड प्रॉपर्टीज़ में CEO रह चुके हैं, और उसके पहले संदीप मात्रानी जनरल ग्रोथ प्रॉपर्टीज़ में 8 साल तक CEO रह चुके हैं। सेफ पार्टनर्स ने कहा है कि इस साल 2020 में सेफ पार्टनर्स 15 डील्स में इन्वेस्ट करेंगे, और इसी के साथ सेफ पार्टनर्स नए सेक्टर्स जैसे कि एग्रीटेक और सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस सेक्टर्स में इन्वेस्ट करेंगे। सेफ पार्टनर्स के पोर्टफोलियो में एको, कैपिटल फ्लोट, चायोस, स्विगी, मेशो और अर्बन कंपनी शामिल है। सेफ पार्टनर्स ने कई यूनिकॉर्न्स में भी अपना पैसा इन्वेस्ट किया है, जैसे कि पेटीएम, बुक माई शो और रिविगो। एडटेक स्टार्टअप एंट्री ने 1.4 मिलियन की फंडिंग रेस करी है, जिसको लीड किया है गुड कैपिटल ने। एंट्री एक लोकल लैंग्वेज लर्निंग ऐप है, जो कि रीजनल इंडियन लैंग्वेजेस में लर्निंग कंटेंट को प्रोवाइड करता है। एंट्री की शुरुआत 2017 में मोहम्मद समुद्दीन और राहुल रमेश ने की थी। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने अपने क्वार्टर थर्ड का रिजल्ट्स डिक्लेयर कर दिए, जिसमें कि हिंदुस्तान यूनिलीवर के प्रॉफिट्स 11.9 से बढ़कर 1616 करोड़ रुपये हो चुके हैं। यही अगर पिछले साल की बात करें तो इनके प्रॉफिट्स थे 1444 करोड़। सेल्स की अगर बात करें तो इस साल के जो सेल्स है वो हुई थी 9696 करोड़, और अगर पिछले साल की बात करें तो वो थी 9357 करोड़। जिसके बाद आज HUL के शेयर्स BSE पर 5.48% से बढ़कर 2189 पर शेयर की प्राइस पर पहुंच गए। इंडिया ने चाइनीज ट्रैवलर्स और फॉरेन रेसिडेंसीज को जो चाइना में रहते हैं उनके लिए ई वीज़ा फैसिलिटी को टेम्प्रेरी सस्पेंड कर दिया है कोरोना वायरस के चलते। अब तक टोटल जो है 350 से ज़्यादा पीपल की डेथ हो चुकी है कोरोना वायरस के कारण, और 14,500 से ज़्यादा लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं। डेली बिजनेस और स्टार्टअप न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। धन्यवाद।